हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अमित शर्मा। आज मैं आपको रूट कैनल ट्रीटमेंट को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। रूट कैनल ट्रीटमेंट या RCT हम तब करते हैं जब इन्फेक्शन टूथ के अंदर नर्व्स तक पहुंच जाता है, तो दांत को बचाने का सिर्फ एक यही उपाय रहता है। आज के केस में पेशेंट ने ऑलरेडी फिलिंग करवाई हुई है, पर क्योंकि फिलिंग बहुत डीप थी इसलिए इन्फेक्शन धीरे धीरे नीचे नर्व्स तक पहुंच ही गया और पेशेंट को बहुत पेन और डिस्कम्फर्ट होने लगा, इसलिए आज हम इसका रूट कैनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे। लोकल एनेस्थीसिया देने से पेशेंट को पेन फील होना बंद हो जाता है, वो बहुत कंफर्टेबल फील करने लगता है, जिससे कि ट्रीटमेंट बहुत इजी वे में हो जाता है। और बहुत केसेस में ऐसा होता है जब पहले से टूथ में पस या मवाद होती है तो हमें लोकल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब हम सबसे पहले टूथ की ड्रिलिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टूथ नंब है इसलिए पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। अब टूथ की क्लीनिंग करते हैं, धीरे धीरे टूथ के जो ऊपर की सरफेस है उसको साफ़ करना शुरू करते हैं और हम धीरे धीरे डीप जाते रहते हैं और नीचे जो नर्व्स होती हैं वो हमें एक्सपोज होने लग जाती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो आपको ये पिंक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है टूथ के बीच में, ये टूथ की नर्व्स हैं जिसे हम पल्प भी कहते हैं। और इसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट, पेन या ठंडा गर्म लगना, जो भी समस्याएँ होती हैं वो इसी नर्व्स की वजह से होती है। अब नीचे की सरफेस को हम धीरे धीरे और अच्छे से क्लीन करना शुरू करते हैं और हमें फिर रूट कैनाल्स मिलने लग जाती है। रूट कैनाल्स एक तरह की रूट्स के अंदर टनल्स होती हैं, बहुत गहरी टनल्स होती हैं, जैसे टूथ की पूरी लंबाई में फैली होती है ऊपर से नीचे तक। हमें वो ढूंढनी होती है, कई बार जनरली वो 3 होती है, कई बार 4 होती है, 5 होती है, तो उन टनल्स को ही हम कैनाल्स कहते हैं और इसी को ही हम रूट कैनाल्स कहते हैं। इसीलिए इसका नाम भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो पूरी टनल के अंदर भरी होती हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब जहाँ तक आपकी रूट है ऊपर से नीचे तक वहाँ तक वो कैनाल्स रहती है। तो उन्हीं कैनाल्स को, वो होलो स्पेस होता है, वो टनल जैसी होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन, पल्स और नर्व्स भरी होती हैं, उसी को हमें क्लीन करना है। तो हम थोड़ा डीप जाएंगे तो हम इनको क्लीन करने लग जाते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये जो कैनाल्स हैं हम इनको ढूंढ रहे हैं। अभी हमने 3 कैनाल ढूंढ लिए, ये जो पिंस है ये कैनाल्स के अंदर सीधी जा रही है। और इससे कि अभी हमने ये 3 कैनाल्स मिल गई है, कई बार ये 4 भी होती है, 5 भी होती है। इसके बाद हम एक्सरे लेते हैं, एक्सरे लेके हम ये कंफर्म करते हैं कि हमारा डायरेक्शन क्या है, इनकी लंबाई क्या है और क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसके लिए हमें एक डायग्नोस्टिक एक्सरे बहुत ज़रूरी रहता है। हम इनकी लंबाई को देखने के लिए एक्सरे शूट करते हैं और एक्सरे शूट करने के बाद में हम इसकी कैनाल्स को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट कैनाल को पहले क्लीन करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे, जैसे जैसे करेंगे इन्फेक्शन बाहर निकलता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इन्फेक्टेड नर्व है जो हमने अभी रिमूव करी है। ये ऐसे ही बहुत सारी नर्व्स होती हैं, हमें धीरे धीरे सारी नर्व्स को रिमूव करना पड़ता है। और बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे हम इन कैनाल्स को क्लीन करने के लिए 5% सोडियम हाइपोक्लोराइट मेटल यूज़ करते हैं, जिससे कि जो भी अंदर इन्फेक्शन है, डेब्रीज है, वो बहुत ईजिली बाहर आ जाती है। और अब हम रोटरी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कैनाल्स को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। रोटरी इंस्ट्रूमेंट एक तरह के एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है, पहले मैनुअली ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट चलते थे, अब रोटरी इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा चलते हैं। ये कम जगह में भी इजीली रूट कैनाल कर सकते हैं, जो काम 1 घंटे में होता है वो 10-15 मिनट में हो जाता है। और जो सिंगल विजिट रूट कैनाल्स है, मतलब रूट कैनाल्स को एक ही बार में ख़त्म करना होता है विदिन 1 आवर, वो हम रोटरी इंस्ट्रूमेंट से ही कर सकते हैं। मैनुअली ये पॉसिबल मोस्टली होता नहीं है। और ये जहाँ पे पेशेंट का मुँह कम खुलता है, बहुत कम स्पेस रहती है, वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट ईजिली जाके रूट कैनाल कर सकते हैं, तो इसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है वो आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट सर्कुलर मोशन में घूमते हुए, स्क्रेपिंग करते हुए, जो भी अंदर इन्फेक्शन है, सड़न है, उसको बहुत ईजिली बाहर ले आते हैं, जिससे कि टूथ के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो दांत बहुत ख़राब होते हैं, जिनमें पस होता है या जो सिस्टिक लीजन है, मतलब दांत के नीचे गांठ बनी हुई है, बड़ी परेशानी रहती है, वो दांत इन इंस्ट्रूमेंट से बहुत ईजिली सेव हो जाते हैं। और जनरली वो लगता है कि नहीं, वो उनको निकालना पड़ेगा, वो सेव नहीं हो सकते, बट अगर हम इस टेक्निक से करते हैं तो उनके सेव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो उसका साइज़ है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब पहले छोटी साइज़ का, फिर बड़ी साइज़ का, तो ये धीरे धीरे कैनाल्स को वाइड करता रहता है। वाइड करने से इसकी क्लीनिंग बेटर होती है, इन्फेक्शन अच्छे से निकल जाता है, और इसीलिए ये रूट कैनाल्स करने का सबसे बेस्ट मेथड है आज के टाइम में।
और अब रूट कैनाल अच्छे से क्लीन हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रूट कैनाल फिलिंग का। फिलिंग के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कैनाल अंदर से क्लीन है या फिर कोई अंदर इन्फेक्शन बचा हुआ है या कोई भी ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही। इसके लिए हम पेपर पॉइंट्स यूज़ करते हैं। ये एक तरह के पेपर के बने होते हैं और ये कैनाल्स के अंदर जब हम डालते हैं तो हम ये पता चल जाता है बाहर निकलने पे। जब इनको हम बाहर निकालते हैं तो इनका कोई कलर बदला हुआ है या कोई भी इन्फेक्शन है या अंदर कोई पस दिख रही है या कुछ भी इसका स्टेन्स आ रखे हैं, इसका मतलब कैनाल्स में अभी भी कोई इन्फेक्शन लेफ्ट आउट है या बचा हुआ है, तो हमें दोबारा से क्लीन करना है। इस वीडियो में आप देखिए, अभी पेपर पॉइंट्स रखने के बाद में इनको निकालेंगे तो जैसे गए हैं वैसे ही निकले हैं, मतलब ये बिल्कुल वाइट है, इन पर कोई कलर चेंजेस नहीं है। अगर कैनाल में कोई ब्लड आ रहा होता, कोई इन्फेक्शन होता, तो ये डेफिनेटली आपको रेड या पिंक कलर के दिखते, आगे से जो इनकी टिप है वो रेड हो जाती। तो अभी ये कैनाल्स बिल्कुल ड्राई हैं। पेपर पॉइंट्स से हम कैनाल्स को ड्राई भी कर लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पेपर पॉइंट्स पेपर्स हैं तो ये पूरी मॉइस्चर को सोख लेते हैं। तो अब ड्राई करने के बाद हम फिलिंग करेंगे। इस केस में हम जीपी पॉइंट्स एज ए फिलिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट फिलिंग मटेरियल है जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान हम यूज़ करते हैं। और ये फिलिंग मटेरियल जो है ये पूरी रूट के अंदर अच्छे से ऊपर से नीचे तक फिल होता है। अगर ये अच्छे से फिल नहीं हो या कोई गैप रह जाए तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के जो फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। तो ये फिलिंग अच्छे से की जानी चाहिए। इसके लिए हम एक्सरे भी लेके देखते हैं कि पूरी फिलिंग अच्छे से हुई है नहीं हुई। जब लगता है कि पूरी फिलिंग अंदर तक रूट्स को पूरी ऊपर तक गई है तभी हम अंत में उसको सील कर देते हैं। उससे पहले हम उसको कोई भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट एक बार सील करने के बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, अभी हमने इसको परमानेंटली सील कर दिया है। अब इसके ऊपर हम टेम्प्रेरी फिलिंग देते हैं। टेम्प्रेरी फिलिंग देने के बाद में 5 से 6 दिन वेट करते हैं क्योंकि टेम्प्रेरी फिलिंग को हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि पेशेंट को परेशानी है तो उसका रीज़न क्या है। अदरवाइज़ एक बार परमानेंट फिलिंग कर दें तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। और ट्रीटमेंट के बाद में हम एक पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे लेते हैं जिसमें अब दिख रहा है कि फिलिंग बहुत अच्छे से ऊपर तक की गई है। अब फिलिंग के बाद में हम टूथ के ऊपर कैप लगाते हैं। कैपिंग एक तरह की आउटर कवरिंग है, दांत को चारों तरफ से कवर कर देते हैं जिससे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो खाने का फोर्स लगता है, वो कैप पे रहता है, जिससे दांत लंबे टाइम तक सुरक्षित रहता है, दांत लंबे टाइम तक टूटता नहीं है, खाना नहीं फंसता है। तो कैपिंग हमेशा ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में करवानी ही चाहिए। इसके लिए हम टूथ को चारों तरफ से थोड़ा घिसते हैं, 2 से 3 मिलीमीटर चारों तरफ से उसको घिस के उसका रीशेप करते हैं। इसके बाद टूथ का इम्प्रेशन लेते हैं। इम्प्रेशन के लिए हम रबर जैसे मटेरियल को दांत पे 2 से 3 मिनट लगा के छोड़ देते हैं जिससे कि वो मटेरियल वहीं सेट हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में हम कैप का शेड सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि जो कैप है उसको एग्जैक्टली टूथ कलर होना चाहिए, उसका आसपास के दांत से मैच होता हुआ होना चाहिए, इसलिए हम उसका शेड सेलेक्ट करते हैं। दोनों चीज़ों को, यानी शेड सिलेक्शन को और जो इम्प्रेशन लिया है, उनको हम लैब में भेजते हैं। लैब से ये कैप बन के आती है। कैप बहुत तरह की होती है। जो ये आप कैप देख रहे हैं ये PFM है, ऊपर से ये सिरेमिक है, अंदर से ये मेटल है। कैप्स में और भी क्वालिटीज़ आती हैं, इसके बारे में आप इसी चैनल पे मेरा दूसरा वीडियो दिया हुआ वो आप देख सकते हैं। कैप में फिटिंग सबसे मेन होती है। अगर फिटिंग अच्छी है तो पेशेंट को खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। इसके बाद में हम पेशेंट की बाइट के हिसाब से कैप को फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट को कैप लगाने के बाद में बिल्कुल कम्फर्टेबल फील हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है, उसे बंद करने में बिल्कुल भी ऊँचा नहीं लग रहा है, इफ़ इज़ वेरी कम्फर्टेबल, तो हम कैप को इमिडिएटली फिक्स कर देते हैं। अदरवाइज़ कैप को थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा घिसना पड़ता है, ऊपर के दांत के हिसाब से थोड़ा ग्राइंड करके एडजस्ट कर देते हैं। अगर कैप फिक्स करवाने के 2 से 3 दिन बाद भी पेशेंट को खाने में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चबाने में दिक्कत होती है, तो उसको डेंटिस्ट को एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं तो बाद में 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद में हो सकता है कि टूथ में पेन शुरू हो जाए और ये कंटिन्यू प्रेशर की वजह से होता है। अगर प्रेशर को रिड्यूस नहीं किया गया तो कभी कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट को भी फेल करा सकता है। So I think this is enough for this video, and please do subscribe to remain connected, and you can message me. I'll surely reply your queries, and thank you for the watch. Thank you so much.